हरदा जिले की 500 आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा के जिला अस्पताल के परिसर में आज से धरना प्रदर्शन व हड़ताल शुरू कर दिया गया है। सरकार को सेवा प्रदान करे लेकिन मानदेय अच्छा नहीं मिल रहा है, जिससे नाराज होकर आशा कार्यकर्ताओं ने आज से अपना काम बंद कर दिया है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश स्तर हड़ताल की शुरुआत की गई है, जिसमें 6 छुट्टी मांग रखी गई है। आशा कार्यकर्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में आशा कार्यकर्ता 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काम करती है, लेकिन अभी तक उन्हें सरकार सिर्फ 2000 प्रति महीने दिया जाए, जिससे अपना परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रही है। इससे परेशान होगा आशा कार्यकर्ताओं ने आज से हरदा जिला अस्पताल के परिसर में हड़ताल शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिता कौर है, मैं ग्राम रहेड़ गाँव से हूँ, आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और संगठन के आशा संगठन जिलाध्यक्ष। आज आप ये धरना पे क्यों बैठे हो? हम सभी बहनें 2000 में काम करते हैं, हमें मानदेय फिक्स के लिए बैठे हैं। हमारी मांग है कि आशा कार्यकर्ताओं का 10,000 करें और सहयोगी दीदियों का 15,000 करें। तो ये आप कब से कर रहे हो ये धरना? ये हमारा 2021-22 से चल रहा है हमारा धरना प्रदर्शन, और अभी हमने 14 नवंबर से 19 नवंबर तक की रखी साप्ताहिक काम बंद हड़ताल। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती आप क्या करोगे? हमारा आगामी आंदोलन चलेगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे, आगे कंटिन्यू आंदोलन चलता रहेगा।